इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, ये गोपालगंज का पॉश इलाका माना जाता है, यानी ये गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र में आने वाला वार्ड संख्या 18 है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देखिए कि ये वार्ड नंबर 18 की क्या हालात है, यानी जब भी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये सड़क जो है ये नाले में तब्दील हो जाता है। आप देखिए कि किस तरह से घुटने से ज़्यादा इस सड़क पर पानी लगा हुआ है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आ रहे हैं जा रहे हैं, चूँकि विकल्प नहीं है, लोगों को जाने का रास्ता नहीं है, तो इस वजह से लोग मजबूरी में इसमें आने जाने को मजबूर है। हालांकि जब स्कूल की शुरुआत हो गई है, बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, कई बच्चे इसमें जाते हुए गिर भी गए हैं। कई लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दुर्घटना हो गई है, लोग गिर जाते हैं लगातार। यहाँ आसपास में डॉक्टर्स की भी क्लिनिक है, वो लोग भी जाते हैं तो गिर जाते हैं। पहले पूरी तस्वीर समझ लीजिए। आप देखिए कि ये जंगलिया जो है कौशल्या चौक से आने वाली सड़क है और ये होते हुए आपको जंगलिया होते हुए गोपालगंज जो है मेन जो है रास्ते पे निकलती है। आप देखिए कि ये जो हमारे सामने तस्वीर दिख रही है, ये जंगलिया गांव में जाने वाली सड़क है, इसमें सबसे ज़्यादा पानी है, यानी घुटने से ज़्यादा जो है इस सड़क पे पानी लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सबब बन गया है। वहीं मेरे दाहिने तरफ में देखेंगे कि ये देखिए कि ये जो है ये जंगलिया जो है मोड़ पर जो है वहाँ निकलती है और वहाँ से शहर की तरफ जाती है, यानी कलेक्ट्रेट और पोस्ट ऑफिस जाना हो तो आपको इसी शहर से होकर जाना पड़ता है। लेकिन हालात आप देख लीजिए कि क्या हालात है, कैसे लोग किन हालातों में आने जाने को मजबूर हैं, और लोगों को जो है आश्वासन तो मिलता है कि हाँ साफ़ सफाई हो जाएगा, नाले की सफाई होगी जिसकी वजह से पानी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं आप मेरे पीछे तस्वीरों में सारी हालात आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे 1 से 1.5 फीट पानी लगा हुआ है और उस पानी के बीच जो है लोग जो है आने जाने को मजबूर हैं। तो ये वार्ड नंबर 18 की गोपालगंज की हालात है, जो कि नगर परिषद में आता है। ऐसे में लोग जो है पानी में त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और जाने को मजबूर हैं। गोपालगंज से आयाज अहमद।